So how is it going? Anything different today? कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि मतलब सराउंडिंग डिफरेंट, क्योंकि हर एक दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कभी कभी कोई ऑफिस में बैठ के कर रहा है, कभी कोई घर से, कभी कोई अपने रूम में, कभी कहीं कभी कहीं, या अलग अलग तरह का हम टास्क लेते हैं। तो आज क्या लगा, आज हम लोग भी कम हैं थोड़े, प्रोडक्टिविटी कैसा रहा अंशिल जी आपके पास? जी, क्योंकि पहले से टास्क डिफाइन किया हुआ था तो उसी पे स्टिक करके फोकस बन पाया। म्यूजिक ने भी हेल्प। ओके। और मंगेश जी आपका कैसा रहा? मेरा टास्क खत्म किया मैंने, मतलब जैसे ही वो मैसेज आया तो मैंने वो डिफाइन कर लिया कि ये जो वर्चुअल रूम होगा उसमें ये टास्क कंप्लीट करूंगा। वो कंप्लीट किया मैंने, माइंड मैप कंप्लीट किया माइंड मैप रेड हैट का। रेडियो ओके, कुछ आप शेयर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कैसा रहा, कोई खास इंसाइट? क्योंकि ये चैप्टर इंट्यूशंस के बारे में काफी कुछ है। तो एनी इंट्यूशंस यू गॉट ड्यूरिंग द माइंड मैपिंग? यस, रेड हैट थिंकिंग में फीलिंग्स के बारे में जो बात हुई है उसमें हम दूसरों के फीलिंग्स को पूछ भी सकते हैं। मतलब खुद के फीलिंग्स तो आप एक्सप्रेस कर ही लो, मगर दूसरों को भी बता सकते हो कि सपोज हमें लग रहा है कि वो डिबेटेबल है तो उसको बोल सकते हो कि थोड़ा सा रेड हैट पहन लो आप और फिर मुझे आंसर करो इसका, उसमें वो मूड में आ जाएगा। और इंट्यूशन और फैक्ट्स के बारे में भी काफी क्लैरिटी है उसमें। तो मंगेश जी, आपको कोई ऐसा यूज केस इसका दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशन में या आपकी लाइफ में, कि ये थिंकिंग वाले, ये हैट्स वाले सारे प्रोसेस आप कहीं कहाँ यूज कर सकते हो बेटर तरीके से? मुझे ज्यादा हैट्स जो मैंने यूज किया है वो ब्लैक हैट लगता है आने वाला चैप्टर में। ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हैं जो बहुत ही कॉशियस थे, और हो सकता है वो फीलिंग को भी ओवरकम या उसको स्किप करके वो ब्लैक हैट में कॉशियस मोड में गए, और वो ज्यादा इंटर रिलेट लगता है, अभी भी लगता है, क्योंकि हम जिस डायनामिक इसमें है वहां पे ब्लैक हैट का ज्यादा यूज होता है। राइट। ओके, वैशाली जी आपको क्या, कैसा रहा आपका? वैसे आज एकदम अलग से मेडिटेटिव ऐसा लग रहा था, एकदम अलग सा म्यूजिक। मतलब रीडिंग तो मैं स्पिरिचुअली कर रही थी, उससे ज्यादा हेल्प मिली, पर बहुत मेडिटेटिव लग रहा है मुझे सेशन पता है, वैसे आज तो एक बात बहुत ये, अच्छा। हाँ जी, लाइफ तो मेडिटेटिव ही होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। वैसे भी कहते हैं ना कि योग करना पर्पस नहीं है, योगी बनना लक्ष्य है, योगी जीवन। मुझे से ये भी आ रहा था याद कि माइंडफुलनेस की जब हमने 2 महीने दिए थे माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें कई बार ये कहा जाता था कि आप ऐसे बहुत टाइम बैठ के आप ऑब्जर्व करो, आनापानासति का जो प्रैक्टिस था, या ऑब्जर्व करो अपनी श्वास को। तो ये भी एक यूज केस हो सकता है सेशन का, कि हम कोई कोई वैसा भी करें, लेकिन ये आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जी जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस हम करते जाएंगे कमिटमेंट के साथ, तो बहुत हमें नई नई चीजें नजर आएंगी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इस सेशन में। जस्ट रीडिंग नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। मुझे तो आज ये भी ख्याल आ रहा था कि मैं तो बुक लिख सकता हूँ इस सेशन में। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे लिखना है भी, कुछ अर्जेंट है ऐसा, तो आई वुड ट्राई टू राइट इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस। दीपक जी आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई जी। मैं रेड हैट ही पढ़ रहा था, तो रेड हैट मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल मास्टरी की बात है, वाह कि क्या जब बात है। चाहो आप इमोशनल मोड में आ जाओ और तुरंत आप
वो इमोशनल मोड ऑफ कर लो, रेड हैट निकाल लो, इमोशनल मोड ऑफ तो एक तरह से वो मास्टरी हो। बहुत ही अच्छा टर्म यूज़ किया है इन्होंने, मतलब पूरे चैप्टर को, इतने चार हाँ पांच चैप्टर्स को समराइज कर दिया कि इमोशनल मास्टरी की बात है, कि बिना किसी को ऑफेंड करे, बिना खुद भी ऑफेंड हुए कैसे इमोशंस के संग प्ले कर सकते हैं विदाउट बीइंग ऑब्लाइज्ड टू जस्टिफाई देम। तो एटलीस्ट हम तीन लोग तो रेड हैट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वैशाली जी, आपने रेड हैट कंप्लीट कर लिया? कब करने वाले हैं? पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? पर अभी मतलब अभी पढ़ूंगी उसके। ओके। वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी रीडिंग वाली चीज़ें सेशन में करें तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे एक तो ये होता है कि फिर हमारे पास ये कहने को नहीं होता कि हमें टाइम नहीं मिला, तो टाइम तो मिल गया, बाकी तो फ्रीडम है, जैसे जो करना चाहें। और किसी के मन में कुछ और इम्पोर्टेंट बात आ रही है कोई शेयर करने के लिए तो? मार्च फोकस जी, जो रूम है ना, इसमें चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, पक्का राइट ट्रू। है। अगर वीडियो ऑन किया है तो, अगर वीडियो ऑन करने का डिसिप्लिन छोड़ दिया तो फिर चांसेस हैं कि कहीं भी कुछ भी करें हम। और एक फीलिंग ऐसे आती रहती है कॉन्शियस में कि जैसे हम स्कूल में भी रहते थे, तो हमारे हमारे वो जो पार्टनर बेंच है उसमें यदि वो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा हो तो हम ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अरे अच्छा लड़का स्कॉलर बैठा है, हम जिस फोकस रूम में है सभी एक से बढ़कर एक, सभी अपना टास्क कर रहे हैं, तो कॉन्शियसली वो आता है कि वो बोलते हैं ना संकर रंग, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, और ये कई बार हम इस बात को शायद इसके अवेयर ना भी हों, लेकिन ये चीज़ काम करती है कि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम तो। लाइब्रेरी का इफेक्ट यही होता है, कोवर्किंग स्पेस का इफेक्ट यही होता है। तो जैसे एक साइकोलॉजी में टर्म है बाई स्टैंडर इफेक्ट, उसमें तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है, इसमें उसका अपोजिट हो रहा है कि किसी के होने से ही हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो अगर कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि 1 घंटे के बजाय हम 4 घंटे का सेशन करें, ऐसा मतलब कि 4 पोमोडोरो सेशन, 50 मिनट ईच विद 10 10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन, तो लगता है इतनी हिम्मत हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हाँ, तो संडे को ही शायद हो सकता है मोस्टली, है अदरवाइज तो किसी ना किसी का जॉब का कोई इशू रहेगा, वर्क का रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। इससे प्रैक्टिस हो रही है कि हम काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं, और एक रिट्रीट मोड में जा सकते हैं, हाफ डे, फुल डे, और जो काम 1 घंटे हो सकता है वो डबल ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स इन लास्ट 1 मिनट? कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपका पूरे दिन का प्लान क्या है, मार्च का प्लान क्या है? अभी तो फेस्टिव मोड ऑन है। तो उत्सव है, मतलब उत्साह है कुछ करने का, बिल्कुल दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। तो फेस्टिव मोड का मतलब हमेशा होगा कि आई एम वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग टू ब्रिंग सम इमेंस अ ट्रमेंडस चेंज इन माई लाइफ। तो हमारे हाँ, लेकिन डेफिनेशन इस भी तरह अलग से कभी देखा नहीं फेस्टिवल्स। है। तो रेड हैट में ये भी एक बात कही गई थी कि आपका परसेप्शन, थिंकिंग चेंज होने से आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है, आपके इमोशन चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप, यू आर थिंकिंग इट इज़ लाइक इन फेस्टिवल ओनली, तो आपका इमोशन अलग तरह का है। अगर आप सोच रहे हो नहीं, ये तो एक उमंग उत्साह का मौका है, कुछ बड़ा करने का मौका है, जैसे कोई 1 2 दिन छुट्टी के आते हैं ना, तो जो फोकस लोग होते हैं वो ऐसे देखते हैं उस टाइम को कि मैं 1 2 दिन में ऐसा क्या करूं जो एक बड़ी अचीवमेंट हो जाए, जैसे मैं कह सकता हूं कि हाँ, एक मेरे कॉलर पे एक बैज लग गया, एक स्टार ऐड हो गया, समथिंग लाइक दैट, एक बिग अचीवमेंट। और पर्टिकुलरली जब बाकी सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं तब तो हम और भी ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि देर इज़ नो वन टू डिस्ट्रैक्ट अस, एवरीबडी इज एंगेज्ड इन समथिंग और एल्स, इट्स गुड।
तो अपने हम जैसे अंतर्मुखता की गुफा में आके कुछ कर सकते हैं। जैसे मोदी जी क्या करते थे गुफा में चले जाने। तो हमारी ये वर्चुअल गुफाएं एक्चुअली हमने 3 4 साल पहले एक स्टार्टअप में कुछ काम, स्पिरिचुअल स्टार्टअप था, उसमें कुछ काम किया था। तो वहाँ पे हमने केव ऑफ इंट्रोस्पेक्शन नाम से एक सेक्शन बनाया था वेबसाइट पे। तो उस केव ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में गुफा जैसा ही उसका वो स्वरूप था, एनिमेटेड था थोड़ा सा। और ये कोशिश की थी कि कोई भी जब उसमें वहाँ पर आए तो वो ऐसा फील करे, एक्सपीरियंस करे। तो वर्चुअल केव ऑफ इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सिलसिला है ये। तो 50 मिनट थैंक यू पूरे भाई जी। होते हैं, कुछ समय के लिए फिर हम डिस्कशन भी कर लेते हैं तो थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। मिलते हैं फिर, रात को मिलते हैं, थैंक यू सो मच। 9 बजे मिलते हैं।